करते हैं। नाउन तो आप देख ही चुके हैं, नाउन क्या है। अब नाउन के प्रकार देखते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पाँचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक एंड भाववाचक, ये पांच प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके इन सबको हम बताते हैं आपको। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, व्यक्ति, स्थान, शहर, देश, दिन, महीना, इन सब का ऐसा नाम जो कि उनके प्रॉपर हो, यानी हमेशा उनके उन्हीं के नाम से ही जाना जाता हो, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे किसी लड़के का नाम राहुल है, क्या है? राहुल, ठीक है, राहुल, तो उसका ये प्रॉपर नाउन है। जब आप उसके नाम से बुलाएंगे तो उसको आप राहुल ही बोलेंगे, ठीक है, ना कि कुछ और, तो ये हो जाएगा उसका प्रॉपर नाउन। इसी द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डे, मंथ और थिंग इटीसी। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो होगा इसका कैसा होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा। जैसे रमेश लिव्स इन बॉम्बे, रमेश कहाँ रहता है? बॉम्बे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रमेश है उस वो यहाँ पर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम रमेश है और उसके हम प्रॉपर नाम से पुकारते हैं उसको, किस नाम से? रमेश के नाम से। उसका कैपिटल जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, राम हो गया, पटना हो गया, मिस्टर प्रसाद हो गया, तो ये कैपिटल लेटर से इनके पहले अक्षर यूज होते हैं और ये सब प्रॉपर नाउन है। जो पर्टिकुलर नाम है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन के लिए अब यहाँ देख लीजिए, लखनऊ, क्या है? लखनऊ एक सिटी है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर उसका नाम क्या है? लखनऊ, ठीक है, प्रॉपर नाम क्या हो गया उसका? लखनऊ। अब उसके बाद एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये रमेश है, क्या है? रमेश, जो कि कहाँ रहता है? बॉम्बे में रहता है, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं फिर हम, यहाँ हमने पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप इन सबको पढ़ करके ऊपर के जो एग्जांपल्स हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम डिफिनीशन ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखते हैं क्या होता है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति का या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही ईजी है। किसी खास व्यक्ति के, ठीक है, जानवर, स्थान, इन सब के बारे में ऐसा नाम या फिर उसका ऐसा नाम जो कि पूरे समूह के बारे में जानकारी हमको मिल जाए, उसके पूरे जात के बारे में जानकारी मिल जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉमन नाउन। कैसे? जैसे हम कामलनी किसी को याद करते हैं। अब यहाँ पे चित्र देखिए, ये दिया गया है कैट, क्या हो जाएगा? बिल्ली, यानी कैट, कैसे हो जाएगा कॉमन नाउन? अगर हम बिल्लियों की पर्टिकुलर नाम लेकर के बुलाते हैं, ठीक है, तो हम उसका नाम लेंगे तो ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बिल्लियों को बुलाना है, तो बिल्ली जब भी आप बुलाएंगे तो उसको बिल्ली कह के ही बुलाएंगे, कैट कह के ही बुलाएंगे, ठीक है, तो ये पूरे बिल्लियों की जो जाति है उसका उसकी जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बुलाना है हमको, समूह में तीन चार लड़कियाँ खड़ी हैं, अगर उनको हम बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे? ग्रुप में बुलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम गर्ल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लड़की गर्ल्स मीन्स हो जाएगा कि लड़कियों के पूरे समूह की जानकारी हो जा रही है हमको, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर किसी का नाम हो, किसी का रीता, किसी का सीता, किसी का राधा, ये नाम है, तो ये हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर नहीं है ऐसा तो आप इन सबको क्या बोलेंगे? गर्ल्स बोलेंगे, इस वजह से ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉयज हो गया, बॉयज में सभी लड़कों की जानकारी हो जाएगी। फीमेल हो जाए, फीमेल सभी फीमेल महिलाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। डॉग्स कुत्तों के बारे में, बर्ड्स सभी पक्षियों, यानी उनके किसी के समूह की अगर जानकारी हमको होती है, उस नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं।
चलिए अब इसको देख लीजिए, ये और एग्जांपल है, लीता इज, क्या दिया है, लीता इज ए प्रॉपर नाउन, लीता किसी लड़की का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है, बट द गर्ल इज कॉमन नाउन, बट बस क्या बोल रहे हैं, अगर गर्ल हम बोलते हैं उसको, लड़की बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। सनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट द बॉय इज द कॉमन नाउन। अब इस तरीके से आप लोग कमेंट में दो दो तीन तीन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सभी प्रकार के जो नाउन हैं उनके एग्जांपल्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, सोच के। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब किसी समूह की बात होगी, देखिए जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अब आप देखिए, जैसे कलेक्टिव का मतलब यह हो गया कि जैसे कलेक्शन, ठीक है, देखिए कहीं किसी जगह पर्टिकुलर व्यक्ति लोग कलेक्ट हो जा रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन की हम बात करते हैं या कोई दल है, ठीक है, ये क्या हो गया, जनताओं का क्या है, जनता का क्या है, दल है, पूरा समूह है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, चूंकि इकट्ठा है एक जगह, ठीक है, टीम हो जाएगा। सेना, सेना यहाँ पर सेना हो जाएगी, जो आर्मी है वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल नहीं बल्कि कई एग्जांपल रखे गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, परिवार, भीड़, वर्ग, गुच्छा, क्रू, ये सब तमाम यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, मटेरियल नाउन अगला नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो जाए, ठीक है, जिसे मापा या तौला जाता है, ऐसा ऐसा पदार्थ जिसका हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। किंतु गिना नहीं जा सकता, परंतु उसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन को क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। यहाँ ढेर सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कुछ का हम फिगर भी आपको सामने दिखा दे रहे हैं, आप देखिएगा, जैसे मिल्क हो गया, दूध, दूध एक ऐसा है क्या है जो कि लिक्विड मटेरियल है, बट उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम उसको गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। पानी यानी वाटर, वाटर को भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन ताप नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड रखा हुआ है, इसको भी तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, परंतु आप काउंट नहीं सकते कर सकते हैं, इतना ढेर सारा है, ऐसी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, उस गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ऐसा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसा नाउन है, ऐसा नाउन है जिसे हम समझ तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसके गुणों को, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे अच्छाई क्या हो जाएगा, अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, इसको हम महसूस कर सकते हैं कोई व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। डार्कनेस अंधेरा, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। दयालुता, दयालुता किसी व्यक्ति के अंदर है तो आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। मूर्खता, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।